यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का जो इंटरव्यू हुआ है 12 जुलाई को, और उसके बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, तो मैं उन सब क्वेश्चन को बताना चाहता हूँ। मैंने उस पर वीडियो तैयार किया है, आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन को दोहराया जा रहा है, मतलब कि इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें बार बार पूछे जा रहे हैं, तो मैंने उन क्वेश्चन को अपने वीडियो में लिया नहीं है, लेकिन आप लोग और भी वीडियो मेरे पिछले वीडियो जो हैं वो सब आप देख सकते हैं, उसमें वो सब सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो पूछे जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या। वो है कार्बोरेटर क्या होता है। कार्बोरेटर क्या होता है तो आप लोग जान ही रहे हैं कि जो भी मोटर वगैरह होता है, बाइक वगैरह या फिर और भी गाड़ी हैं, उन सब में कार्बोरेटर होता है। तो यह अंतर्दहन इंजन में प्रयोग होता है, तो उनके इंजनों में यह कार्बोरेटर प्रयोग होता है, और इस उपकरण में वायु और पेट्रोल के वाष्प कणों को मिलाया जाता है। तो क्या होता है कार्बोरेटर, यह अंतर्दहन इंजन में प्रयोग होता है और इस उपकरण में वायु और पेट्रोल के वाष्प कणों को मिलाया जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हार्मोन्स के बारे में बताओ, तो हार्मोन्स क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो मानव शरीर में प्रणाली रहित ग्रंथियों से जो रस प्राप्त होता है उसे हार्मोन्स कहते हैं। जैसे में ये थायराइड हो गया या पैराथायराइड हो गया, पिट्यूटरी हो गया, आदि ग्रंथियों से ये निकलते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन था, निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है, आप लोग जानते ही होंगे। एक बात ये बताना चाहूँगा, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल का आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूरा वीडियो। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो, भारत का कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने का केंद्र कहाँ पर है। तो भारत से जो सैटेलाइट को भेजा जाता है वो कहाँ पर है, श्री हरिकोटा में वो स्थान है। और इसके अलावा ये कौन से राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। आपने सुना होगा श्री हरिकोटा अनुसंधान केंद्र, तो यही है जहाँ से सैटेलाइट को भेजा जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है, जिसे BHU भी कहते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश के नवीनतम जिले कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश के नवीनतम जिले हापुड़ हैं, संभल है, शामली है, ये तीन जिले जो हैं ये नए जिले हैं। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो वो गैस है हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है सोडियम को जल में डालने पर। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया वो, अम्ली बिलियन का pH कितना होता है। तो अम्ली बिलियन का pH जानते होंगे आप लोग, 7 से कम होता है। आइए चलिए आगे। हाँ, एक चीज़ ये देख लीजिए कि अगर जो लोग फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पर ये पेज है और ग्रुप भी चलता है, तो आप लोग इससे ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आगे की जो भी वीडियो के एग्ज़ाम्स हो या फिर और भी जो एग्ज़ाम्स वगैरह हो, उन सब की तैयारियाँ इससे हो सके। पूछा गया वो, प्रेशर कुकर में चीज़ें जल्दी क्यों पक जाती हैं। तो आप लोग प्रेशर कुकर तो यूज करते ही होंगे, तो उसमें कोई भी खाना सब्जी वगैरह या दाल किस तरह से जल्दी पक जाता है आप लोग जानते होंगे। तो प्रेशर कुकर में भाप इकट्ठा रहता है, संचित रहता है, और दाब बढ़ जाता है, जिसके वजह से कोई भी चीज़ें या खाना या सब्जी जो भी है वो जल्दी पक जाती है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया वो, भारत में सबसे पहला साइबर ग्रामीण केंद्र किस राज्य में संचालित हुआ था। भारत में सबसे पहला साइबर ग्रामीण केंद्र किस राज्य में संचालित हुआ था, तो कर्नाटक में पहला साइबर ग्रामीण केंद्र संचालित हुआ था। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन था वो है, महेंद्र का संधि विच्छेद बताओ। तो महेंद्र का संधि विच्छेद होता है महाधन इंद्र। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द के शुरुआत में जुड़कर उसके व्यापारिक
या पारणिक रूप या अर्थ को, सॉरी यहाँ व्याकरणिक है, व्याकरणिक रूप या अर्थ में परिवर्तन कर देता है। मतलब कोई ऐसा शब्द जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे या फिर उसका अर्थ को विपरीत कर दे तो वो उपसर्ग कहलाता है। जैसे गमन, गमन का मतलब होता है जाना होता है, मैं गमन में आ जुड़ जाने से उपसर्ग आ जोड़ने पर उसका अर्थ विपरीत हो जाता है। जैसे गमन मतलब जाना होता है, आ जोड़ देंगे उसमें तो वो आगमन हो जाएगा, मतलब कि आना, किसी का आगमन होना। इसके आगे जो पूछा गया वो कंप्यूटर से है, एक्सेल में F11 की क्या होता है, एक्सेल में F11 की से चार्ट मेनू खुलता है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया वो एक्सेल में पूरी वर्कशीट को एक साथ सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की बताओ। तो एक्सेल में क्या, आप कोई भी हो, एमएस वर्ड हो या कहीं पर भी हो, अगर वर्कशीट या फिर उसे पूरा सिलेक्ट करने का एक शॉर्टकट की है, वो कंट्रोल प्लस ए है, CTRL+A। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया एमएस एक्सेल क्या है, तो विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज को एमएस एक्सेल कहते हैं। मतलब कि विंडो पर आधारित होता है ये, और स्प्रेडशीट पैकेज होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया वो एक कुर्सी का अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य इतना हो जाता है, 4600 रुपये हो जाता है, तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा। तो ये सबसे सिंपल ही क्वेश्चन है, तो मैंने सॉल्व किया, ये 5000 रुपये होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये सही है या नहीं, तो आप लोग सॉल्व कीजिए इसे। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 20% को साधारण भिन्न में बदलो, तो 20% को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो उसका होगा 0.02, 20/100 कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, ये साधारण भिन्न में बदल जाएगा। इसके बाद देखिए ये site.google.com/site इच्छा सेंटर ऑफ एजुकेशन है, ये जो लिंक है यहाँ पर से मेरे जो भी वीडियो है वो सारे वीडियो के आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस लिंक पर गूगल पर डालेंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे, आपको तुरंत मिल जाएगा वहाँ से वीडियो। आइए आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। 3/5 को प्रतिशत में बदलो, तो 3/5 को प्रतिशत में अगर आप बदलते हैं तो 60% आएगा। देख लीजिए इस तरह से 3/5 लिख लीजिए, 3/5 लिखिए और 100 कर दीजिए। जब 100 करेंगे आप तो 5 से भाग देंगे, तो 5 से इसे काटेंगे, तो 5 से काटने पर ये 20 प्राप्त होगा, यहाँ पर 20 मिलेगा, तो 20 × 60 हो जाएगा, तो ये प्रतिशत 60% हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया वो ताप की मात्रा को किससे मापते हैं, तो ताप टेम्परेचर होता है जानते ही हैं, तो टेम्परेचर ताप की और टेम्परेचर की मात्रा को किससे मापते हैं, तो वो कैलोरी मीटर से मापते हैं। इसके बाद जो पूछा गया है उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्य कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा प्रचलित लोकगीत लोक नृत्य नौटंकी है। और एक बात ये बताना चाहूँगा, जो प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं उसे मैंने अपने वीडियो में नहीं दोहराया है, और इसलिए जो भी इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उन सब क्वेश्चनों को देखने के लिए आप पूरा जितने भी पिछला वीडियो है वो सारे वीडियो जरूर देखें। आइए चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सोचना है कि जो लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके, और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। और हाँ, और एक चीज़ ये है कि ये डायरेक्ट यूट्यूब का लिंक है, आप इसे देख लीजिए, और इसे डालेंगे तो डायरेक्ट मेरा वीडियो खुल कर आ जाएगा।